देखिए कितना सुंदर बना हुआ है ये। और यहाँ वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। ये गुड़गांव का सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है और हम तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर मंदिर के और दिखाएंगे आपको अंदर से मंदिर कितना सुंदर है। तो आइए, अंदर जाने से पहले हमने सोचा तो कुछ पोज ले लिए जाएं, तो हम फोटो लेने लगे और कुशाग अपने पापा की गोदी में है। और देखिए मंदिर कितना सुंदर है। हम आ गए हैं अंदर और इसमें बहुत सारे भगवान की अलग अलग तरह की मूर्तियां हैं। हम लक्ष्मण सीता की कितनी सुंदर मूर्ति है। और हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे, कुशाग्र अपने पापा की गोद में दर्शन कर रहा है। तो यह खाटू श्याम बाबा की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजा रखा है। साथ में हम लोग कुछ फ़ोटोज़ भी लेते जा रहे हैं क्योंकि फिर बाद में घर भी जाना है जल्दी ही। इधर राधा कृष्ण की मूर्ति है, कुशाग्र को मेरी गोद में आना है तो मम्मा मम्मा चिल्ला रहा है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर मूर्ति है राधा कृष्ण भगवान की, तो सभी लोग दर्शन कर लीजिए। और अब आ गए हैं हनुमान जी की मूर्ति की तरफ और ये भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। कुशाग्र अपने दर्शन कर रहा है अपने पापा के साथ में और वो ज़्यादातर पापा की गोद में ही रहता है हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो, क्योंकि वो इधर उधर भागता रहता है तो मैंने उसको पापा को ही दे दिया है। अब मैं जैसा कि कुशाग्र हर जगह आके करता है, उसने अपना खेल शुरू कर दिया है और वो यहाँ पे तो लेट ही गया, लेट लेट के खेल रहा है। देखिए मैं आपको पूरे अंदर का मंदिर दिखाती हूँ कितना सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे हवन हो रहा है और लगता है आज पूर्णिमा है। और ये है यहाँ पे एक बहुत ही विशाल वट वृक्ष है इस तरफ और आज मंदिर बहुत अच्छा सजा हुआ है। और मुझे खीर का प्रसाद मिल गया है। और यहाँ पे दूसरी साइड में लक्ष्मी माता का मंदिर है ऊपर जाके, जो हमने देखा नहीं था। और ये बहुत बड़ा सा कूलर लगा है तो हमें गर्मी लग रही थी तो हमने सोचा थोड़ी हवा खा लेते हैं और चलते हैं अब ऊपर की तरफ, तो आपको दिखाएंगे लक्ष्मी मैया का मंदिर। और यह बहुत ही अच्छे से बना हुआ है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी नक्काशी की हुई है। ऐसा लगता है कि हम राजस्थान के किसी मंदिर में आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए कि छोटी छोटी सुंदर सी मूर्तियाँ भी हैं इसमें। और यहाँ पे लोग धागा मानते हैं मन्नत मांगने के लिए, इस तरफ देख सकते हैं आप। और अंदर चलते हैं, अब चलिए अंदर की तरफ। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये और ये इसका साइड व्यू है। वाओ, वेरी नाइस, ऐसा लग रहा है जैसे हम राजस्थान के किसी मंदिर में आ गए हों। बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वाओ, चलिए अब चलते हैं नीचे। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बाग को मिश्री का प्रसाद बहुत पसंद है और मैंने इसकी वजह से मिश्री रख रखी है। नहीं खाई है भैया, ये है देखो मिश्री। चलो आप सीधे बाहर चलते हैं। चलो, कैसे खा रहे हो बेटा, सही से खाओ। ऐसे नहीं खाते, अच्छे से खाओ। ये सब गिर रही है, थोड़ी खाई जाती है। ये काफी बड़ा है, साइड में इधर की साइड में स्कूल बना हुआ है। ये देखिए सिद्धेश्वर नाथ का स्कूल। और ये पूरा मंदिर है इस तरफ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। इस तरह से बना हुआ है पूरा मंदिर और एक साइड स्कूल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।